अब अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग इस देश के लिए करना चाहते हैं तो इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? अब जब एक सही दिशा में वो चल रहे हैं, दंगाइयों का साथ छोड़ करके, उन्मादियों का साथ छोड़ करके, गांधी लोहिया और अंबेडकर के रास्ते पर। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है 15 साल तक किया है और उनकी उंगली पकड़कर जो है वो बिहार में राज कर रहे थे, और अब जब नीतीश कुमार धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, उन लोगों से अलग होकर देश हित में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आज नीतीश कुमार इन लोगों के लिए बुरे लग रहे हैं। सीधे तौर पर आज जो अश्विनी चौबे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला किया था और कहा था कि नीतीश कुमार के जो पेट में दांत है वो भीतर चला जाएगा। अब फिलहाल नीतीश कुमार कर्नाटक में हैं, कर्नाटक से लौटेंगे तो क्या विपक्ष की बैठक होगी, ये सब सवाल थे। और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किस तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर भाजपा चलती थी और आज वही नीतीश कुमार गढ़ रहे हैं, सुनिए। नीतीश कुमार जो है वो विफल रहेंगे और कई तरह की और बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, वो दांत जो है अंदर चला जाएगा, इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्यों कर रहे हैं भाषा का इस्तेमाल, हम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने तो नीतीश जी का इस्तेमाल विशाल किया है। अब अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग इस देश के लिए करना चाहते हैं तो इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? क्या उनमें क्षमता नहीं थी उनकी बदौलत से बिहार को तंग और तबाह करने के लिए इनको मौका मिल गया? भूलिए मत, अब जब एक सही दिशा में उछल रहे हैं, दंगाइयों का साथ छोड़ करके, उन्मादियों का साथ छोड़ करके, गांधी लोहिया और अम्बेडकर के रास्ते पर, भारत के दिए संविधान के आधार पर भारत के पुनर्निर्माण का जो प्रयास वो कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? नीतीश कुमार जो है वो विफल रहेंगे और कई तरह की और बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, वो दांत जो है अंदर चला जाएगा, इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्यों कर रहे हैं भाषा का इस्तेमाल, हम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने तो नीतीश जी का इस्तेमाल विशाल किया है। अब अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग इस देश के लिए करना चाहते हैं तो इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? क्या उनमें क्षमता नहीं थी उनकी बदौलत से बिहार को तंग और तबाह करने के लिए इनको मौका मिल गया? भूलिए मत, अब जब एक सही दिशा में वो चल रहे हैं, दंगाइयों का साथ छोड़ करके, उन्मादियों का साथ छोड़ करके, गांधी लोहिया और अम्बेडकर के रास्ते पर, भारत के दिए संविधान के आधार पर भारत के पुनर्निर्माण का जो प्रयास वो कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है?